वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का इतिहास लैके आप सिख संगतां दे सन्मुख हाजिर होए हाँ। अज 6 अक्तूबर यह दिन सिख धर्म दे विच अपनी एक बड़ी वड्डी थां रखदा है। सिख इतिहास के अनुसार अज के दिन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की वह पावन बीड़ जिहड़ी उन्होंने दमदमा साहब भाई मनी सिंह जी ते बाबा दीप सिंह जी पासों लिखवाई सी, वह बीड़ गुरु साहब जी के नाल नाल उस रूप गुरु साहब जी के नाल नाल चल रहा है। अज के दिन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पाक पवित्र बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं अज सिख इतिहास में गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी वल्लों गुरता गद्दी बख्शी गई। तो एक बचन जिन्हों बंसावली नामे ने बड़े सोहने लफ्जां दे विच कहा है कि दसवां पातशाह गुरता गद्दी ग्रंथ साहिब को दे है गया, अज तो प्रताकत साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब सो गया जो ग्रंथ नूं गया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का सरूप प्रकाश मान करके एक गुरु के सिख नूं हुक्मनामा साहब लैण वास्ते आख्या। साढ़े इतिहास ने वह बोल भी सामभ के रखे ने, जदों हुक्मनामा साहब आया तो वह बचन सन मारू राग दे खुलिया करम कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई, वो अमृतमई बोल। इस तो बाद धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने समुचे सिख पंथ में यह सुनेहा दिता। वक् वक् थावां ते हुक्मनामे भी उन्होंने लिखतों के मिलते हैं जिंदे विच इह गल कही गई सी कि अज तो बाद एक सचियार सिख किसी देहधारी बंदे नूं गुरु नहीं मनेगा, अज तो तुहाडा गुरु शब्द आ। ते जिहड़े उन्हां दे सांभे होए बोले हुए बोल साडे सिख इतिहास ने सांभ के रखे ने, आग्या पई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिलबोच है खोज शब्द मैंने। अज दे दिन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह 6 अक्तूबर 1708 नूं गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी दे के गए। तो एक गल सानूं दर्शा के गए सन कि जे मैनूं मिलन दी चाह है तो इस गुरु ग्रंथ साहिब दा पल्ला ना छड्डिया जे। तो सच्ची गल है अज असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का पल्ला छड्ड के दंभियां पखंडियां कोल अपनियां धियां जलील करवाउंदे फिरदे हां, अपनियां इज्जतां रोलदे फिरदे हां। एक गल कदे कल्ले बैठ के ध्यान नाल सोच के वेख्या जे असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी नूं छड्ड के अपने धियां पुत्तरां नूं नशियां दे दौर विच लचरता दे दौर विच शर्म हयाई दे दौर विच तक्किया कि नहीं तक्किया, एक वारी कल्ले बैठ के जरूर सोचा जे, शायद तुहानूं इह गल समझ आ जाए। सतगुरु कृपा करन, ये साडा माण मत्ता इतिहास जिन्हों ना कदे भुलाया जा सकता ना विसारिया जा सकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।